दीपिका, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया. थैंक यू सो मच. तो टेल अस, लॉकडाउन कैसा कट रहा है? हाउ इज इट ट्रीटिंग यू? स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ, फर्स्ट एंड हाफ मंथ तो सेट करने में ही चीजें जो है था, और यू नो न्यूडल्स और बहुत अलग अलग वैरायटीज ऑफ फूड बन रहे थे टू एंटरटेन अस टू बी एट होम. देन वी रियलाइज यू नो ये लंबा चलने वाला है और यू नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर डाइट एंड एवरीथिंग. तो फिर यही कोशिश किया कि जो है सुबह, अभी ये मौका है जिसमें हम अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं, अभी जल्दी सो सकते हैं. तो इस टाइम पे मैं बार बार यही कोशिश करती हूँ, मैं हर दो दिन में यही ट्राई करती हूँ कि मैं अपना मैनेज करूँ शेड्यूल और अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 AM उठकर और कोशिश करूँ 10:30-11 o'clock तक सो जाऊँ. तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है पॉजिटिव रहने में, और मेरे जो डेली कोर्स हैं वो जो है काफी मैनेज हो जाते हैं. राइट, ये है. लेकिन आप एक यू नो एक मदर भी हैं छोटे बच्चे की, तो उनके बहुत डिफिकल्ट है यार. ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं तो उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए लेकर बैठना पड़ता है. मेरे जेवर की एक बेटी है, मेरा बेटा है, दोनों सेम एज के हैं तो सेम क्लास में है. तो बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों को ऑनलाइन बिठाना. लिटरली दे आर इन नर्सरी और उनको एक जगह पे बिठा के रखना और उनको टीचर के साथ साथ बोलना बहुत टफ है, बहुत टफ है. कितनी बार तो मैं फेडअप हो जाती हूँ क्योंकि वो लोग इधर उधर भागते हैं और उनको मुझे कुछ ना कुछ ड्राइव करना पड़ता है कि वो क्लास अटेंड करें, एंड देन उनको फिर अलग से ट्रेन करना पड़ता है बिकॉज ऑनलाइन क्लास में उनको सब चीज समझ नहीं आती. हाँ, वो टीचर के साथ रिपीट कर लेते हैं. Right. Just a half an hour session, half an hour 45 minutes का session होता है. So I have to concentrate on their अच्छा curricular also, like उनको योगा, कराटे, डांसिंग, ये सब में मैं उनको एंगेज रखती हूँ. So I have to give time for that also. And वही studies 1 घंटा लेकर बैठना ही पड़ता है. जैसे ये टाइम 7 to 8 मैंने उनको पढ़ाने के लिए रखा हुआ है कि जो भी होगा उनको रिवीजन कराना है. संडे मैं उनको ऑफ रखती हूँ ताकि उनको बर्डन ना लगे ज्यादा. और कभी कभी उनके मूड में नहीं होता तो आई कांट, तब मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती बिकॉज दे आर सो स्मॉल. नर्सरी में है तो आई मेक श्योर कि बेड टाइम पे मैं उनको एक स्टोरी बुक से स्टोरी पढ़कर यू नो विद द विजुअल पिक्चर्स एंड ऑल वो चीजें करके थोड़ा उनको एक्टिंग उसमें हेल्प करती है बहुत ज्यादा. लेकिन उसके तो बाकी बहुत ही बिजी शेड्यूल है, बहुत ज्यादा यू नो आई तो लाइक सो मच बिकॉज बीइंग अ वुमन ना एंड बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, नाउ देयर आर सो मेनी रिस्पांसिबिलिटी एट द सेम टाइम. आई एम एन ओडीसी डांसर एज वेल, सो आई हैव टू अलॉट माय टाइम फॉर माय प्रैक्टिस आल्सो, एंड देन इंस्टाग्राम, देन इंटरनेट, यू हैव टू बी कीप पोस्टिंग. No, your friends has expectations with you. So I have to motivate myself to, you know, to do something creative, you know, which will inspire or which will, you know, make happy to others, to post something like that. For that, I have to think also. So yeah, my whole schedule, whole day is very busy, very engaged. Right. दीपिका, कहीं ना कहीं अभी अगर देखा जाए तो शूटिंग का भी इस तरीके से माहौल है कि शूटिंग इतने दिनों बाद शुरू हुई है विद सो मेनी न्यू गाइडलाइंस, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक डर है कि यू नो घर से बाहर निकलेंगे, व्हाट इफ यू नो घर के किसी फैमिली मेंबर को भी यू नो गॉड फॉरबिड ना हो जाए. बीइंग योर हस्बैंड इज ऑल्सो अ डायरेक्टर, ही बिलोंग्स टू द सेम प्रोफेशन. अभी आप कोई प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हो लेकिन आई एम श्योर उनके पास काफी ऑफर आता होगा टू डायरेक्ट. ही इज ट्राइंग टू बिकॉज ही फॉर अ मैन ही हैज अ रिस्पांसिबिलिटी यू नो. सो यस, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट बट दिस लॉकडाउन हैज मेड हिम रियलाइज व्हाट ही एक्चुअली वांट्स टू डू. सो ही ऑलवेज वांटेड टू डू फिल्म्स एंड यू नो वेब सीरीज, टू राइट सम स्टफ. So this lockdown has actually tapped into his creative energy, and he now writing his you know whatever he developing his content, whatever he thought of from last so many years he developed it, and now he is pitching. But yes, of course he is a director, so writer is secondary चीज हो जाती है. So for those stuff also if it get clicked, अगर वो approve हो जाते हैं, then he has to go on shoot to shoot them. So yes, but I think now it's a way of living, and I inspire from others. I really inspire from Shraddha, you know, and to other my fellow actors, you know, who are going on a shoot. So in this time,
So they are for us is an inspiration for all normal people, you know, who are not going out of the home. So they are actually inspirational for us, you know, they how they are keeping themselves, you know, staying safe and at the same time working. So it's quite interesting and it's quite fascinating and inspiring to me. Yeah, me being a mother, I have so many things, and being an Odissi dancer, not only a mother, being an Odissi, learning Odissi has helped me to keep engaged myself at home. So, you know, you don't feel to be actually go out, but yes, I do have a responsibility. I do have some needs which I have to fulfill with Mini. So that chain of income has to be, you know, going on. We all have some. We are self-reliant women. We can't, you know, burden nahi dal sakte. Because wo hamari attitude mein nahi raha hai kabhi bhi. So me also, I started earning at very small age. My father used to have a factory, and I started working there. Like, I don't remember at what age. In a very childhood. Like, I used to go in the factory. So. I started earning very, मतलब मुझे उसमें से पॉकेट मनी मिलती थी जो काम मैं करती थी उसमें. तो मैंने ट्यूशन भी 16 ईयर्स से, जब मैं 16 साल की तब मैंने ट्यूशन देना शुरू कर दिया. तो जस्ट टू शो माई फादर, यू नो कि यू नो मैं अब मैं सकती थी, पापा की फैक्ट्री में मुझे पापा के हिसाब से काम करना पड़ता था. तो 16 साल की उम्र में ही मैंने ट्यूशन, बिकॉज देयर वाज सम फ्यू ऑफ माय नेबर्स हु वांटेड मी टू, यू नो, कि मैं उनके बच्चों को पढ़ाऊँ. बिकॉज मैं थोड़ा सा टीचिंग मेरे एक पता नहीं एक इनहेरेंट पता नहीं कैसा था कि मैं बच्चों को काफी अच्छे से समझा पाती हूँ उनको इनएक्ट करके. शायद वो एक्टिंग एबिलिटीज थी मेरी जिसकी वजह से, यू नो, जो बच्चे थोड़े से वाज लैकिंग बिहाइंड इन द स्टडीज, वो इंटरेस्टेड हो जाते थे स्टडीज में. तो दे वर फ्यू ऑफ माय नेबर्स हु वांटेड मी टू देम हेल्प. आई हेल्प देम एक्चुअली. बट दैट गिव मी अ कॉन्फिडेंस ऑल्सो. एंड माई फादर टोल्ड मी कि, यू नो, अगर तुम उनको पढ़ाओगी तुम्हारे भी पॉलिश होगी स्टडीज. एंड यू नो इट इज बेस्ट वे टू लर्न इज टू लर्न इट एज अ टीचर, एज इफ दैट यू आर गोइंग टू ट्रेन समबडी. तो दैट टाइम उस टाइम पे आपका बिल्कुल पक्का होके, यू नो. तो आई यूज टू हैव यू, आई यूज टू हेल्प माई फ्रेंड्स ऑल्सो. तो वो चीज ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और फिर दे यूज टू पे मी ऑल्सो. तो दैट वॉज लाइक मेरे लिए बहुत ही अच्छी, यू नो, वो पल्स हो जाते थे कि मतलब मैं लेविशली अपना लाइफ स्टाइल जो है मैनेज करती थी उस टाइम पे, और बहुत प्राउड फीलिंग आता था. तो दैट मेड मी अ वेरी, यू नो, एक स्पिरिट दे दी कि मुझे सिर्फ क्वालिफिकेशन ही अर्न नहीं करनी है, मुझे अपने पैरों पर भी बहुत जल्दी खड़ा होना है. एक्सपीरियंस भी चाहिए. बट एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी आर्टिस्टिक. So I was always fond of art, you know, like acting, dancing, you know, everything which is related to art, you know, used to fascinate me a lot. So my father wanted me to do some job or do CA, because I was in BCom honors. But I was not able to convince myself that time. So, and that art, that desire actually right now is helping me so much in this lockdown. That art only actually helped me to sustain and to spread positivity all around me and to be to within myself. I learned Odissi during the year Bati Hum days in 2014, and now I have completed 6 years in Odissi, and I'm still learning. And because it's a classical arts, you know, it doesn't matter how many years you give it to, you always feel ki aur bhi seekhna hai, just like acting. So that helps me to keep me going and help me, you know. एक जब आप स्टूडेंट लाइफ जीते हो ना, जब आप स्टूडेंट बन के जीते हो, तो लाइफ ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, एंगेजिंग होती है. व्हाट आई हैव लर्न ड्यूरिंग, यू नो, लर्निंग ड्यूरिंग माय पीरियड ऑफ लर्निंग ओडिसी. तो जैसे हम इनकम की बात कर रहे थे, तो एज एन एक्टर कभी वो इनसिक्योरिटी बिल्ट इन होती है कि, यू नो, काम करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज यू नो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आप पर भी, आपके हस्बैंड पर भी. आजकल वैसा नहीं रहता है कि एक मेंबर कमाएगा और वो पूरे फैमिली को संभालेगा. आजकल अगर आपको लाइफ स्टाइल चाहिए, देन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ नीड टू वर्क साइमल्टेनियसली. यस, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द नीड्स. हाँ, बट हम लोगों में आज विमेंस के अंदर वो रहा नहीं है, यू नो, कि यू फील. अब हम लोग, हमारे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बॉयज जैसे हो गए. मतलब हम लोग, यू नो, वी वांट टू वर्क, यू नो, वो हमारा एक सोशल स्टेटस है,
वो हमारे एक आइडेंटिटी बन चुकी है. वी कांट लूज आवर आइडेंटिटी. तो उससे आप बहुत ज्यादा अटैच होते हो. यू डोंट वांट टू यू नो बिकॉज वी हैव वर्क सो मच टू अर्न दैट आइडेंटिटी. यू मी ऑल ऑफ अस. True. So we don't know because we know at the same time we even has a lot of challenges in our world. You know, we have to struggle a lot more than boys. We have to struggle a lot. You know, there's so much competition all around us. There's so much expectation from us. We work more than them to prove ourselves to come forward. उनसे आगे आने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. It's not easy at the space scale में काफी difference रहता है. उस position पर आने में काफी difference को sustain करना हमारे लिए हमेशा से ही और बहुत ज़्यादा challenge है. तो we don't want to you know leave that energy और जो हमने इतनी energy spend की है हम उसको एकदम से छोड़ना नहीं चाहते. But I at the same time I care for my family. I care for Soham. So I somehow able to convince myself you know to be at home till that situation is under control. But in a month or two, if some project will come which allure me because I'm an actor and you know I can't if some script touch me and I will not be able to stop myself. And same with my husband. Because we are artistic people and at the same time we are professionals. We can't say no to a particular extent. एक extent तक हम कह सकते हैं no. You know we have some excuses. जब हमारा दिल किसी चीज़ पे आ जाता है, you know if we like some script, we want to be the part of the script at what like at anyhow, you know. But yes, family safety is must. That's why we are at home till now also. And I hope for 2 months also we will take a break. But it all depends on the script actually, and depend on the people. Because in so many years we have developed relations with also relation with the people of our fraternity. Some of our friends or will request us. So definitely we will go on work. We are not saying no for the work, but we are actually like as we used to do earlier. I used to do this earlier also. After Kavach also, I have saw I went for a look test, and if something allures me, then only I do. Because after becoming a mother, I become choosy because I wanted to be a part of a project. You know. Which I feel, you know, with जो मुझे contentment दे, you know, और at the same time was challenging हो कि, you know, मुझे लगे कि मैंने कुछ learn किया है इसको करके. So yes, I become little choosy, and especially not only because of mother. Sorry, मैंने गलत बोला. Especially after Dior Baati Hum, because I have did a so much a big talent, you know, that is still in the hearts of the people, and still I am the household name as Sandhya. So that brings a huge responsibility on my shoulders. So wo us wajah se jo hai main kafi soch samajh ke kisi cheez ko haan karti hu. So aur aise se mujhe lagta hai jo log mujhe approach karte hain wo bhi मुझे उस कैरेक्टर के हिसाब से ही मुझे रोल जो है जैसे मैंने दिया बाती की बात अगर किया तो एक लॉयर का कैरेक्टर किया था हराला में एंड उसके बाद कवच किया. कवच मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था बिकॉज जैसे ही उसके बारे में मुझे पता चला तो मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज मुझे पहली बार नेगेटिव रोल एट द सेम टाइम विद द पॉजिटिव रोल करने को मिल रहा था. तो एक एक्टर जब स्पेशली पहली बार जब नेगेटिव उठाता है तो उसको ये डर होता है कि पता नहीं लोग मुझे पॉजिटिव में पसंद करेंगे या नेगेटिव में पसंद करेंगे नहीं करेंगे. बट मेरे साथ इसमें बेस्ट चीज ये थी कि पॉजिटिव भी मैं ही कर रही थी. तो मुझे वो डर नहीं था कि अगर मैंने नेगेटिव गलत किया यू नो अगर नेगेटिव में उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई तो एटलीस्ट मैं पॉजिटिव भी सेम टाइम पे कर रही हूँ. तो बट और एट द सेम टाइम मुझे लर्न करने को मिला. मुझे कभी नहीं पता था कि मैं नेगेटिव इतना अच्छा कर सकती हूँ. एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ ऑन माई सेल्फ कि मैंने जैसा मैं चाहती थी मैं वैसा डिलीवर कर पाई. और मुझे बहुत मजा आया नेगेटिव रोल करके भी. और ऑल्दो वो बहुत ज्यादा बिकॉज उसमें घोस्ट का रोल था मेरा तो उसमें काफी पैरिंग होता था बिकॉज स्पेशली डबल रोल इन टेलीविजन वेरी टफ. मेरे काफी लॉन्ग शूटिंग आवर्स होते थे. मैं सोहम को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती थी. सो बट यस आई हैव अ जॉइंट फैमिली
तो उनकी मेड भी है, एक मेड बेसिकली शी इज अ हेल्पर, तो वो इस हिसाब से चीजें मैनेज हो जाती है. रोहित ने भी एक दो महीने का ब्रेक लिया था तो वो मेरे को बिल्ड उतना नहीं होता है, बट यस वेरी लॉन्ग शूटिंग आवर्स, बट मजा आया बहुत करके. बट कभी कभी एज अ मदर वो गिल्ट सिंक इन होता है, क्योंकि आप यू नो अपने बेबी को इतने टाइम तक, जैसे एक बार करीना ने कहा था कि यू नो आई कांट जस्ट कीप सिटिंग एट होम, क्योंकि उन्होंने तो जैसे आप लोगों ने प्रॉपरली अपने यू नो वेट पे काम किया एंड यू बाउंस बैक, कहीं ना कहीं करीना की भी सिमिलर जर्नी रही है. तो करीना कपूर इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस स्पेशली, उनको देख के हमें इंस्पिरेशन मिलती है यू नो सब में, कि यू नो कि आप एज अ हीरोइन एज अ लीड, ऑल्दो पहले हिमालय जी भी ने भी किया है काफी सारे एक्टर्स, बट करीना कपूर एक्चुअली एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, बिकॉज उन्होंने प्रेगनेंसी में भी जरा सा ब्रेक नहीं लिया और आफ्टर डिलीवरी 4 to 5 months उन्होंने जो है फिल्म की और इतना रिड्यूस किया. तो शी इज मोस्ट टैलेंटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग, तो वो तो इंस्पिरेशन है ही हम सबके लिए. बट यस गिल्ट मुझे तब ज्यादा हुआ था, गिल्ट थोड़ा बहुत तो रहता ही है, बट कहीं ना कहीं आप अपने आपको कन्विंस कर लेते हो. वो कहते हैं ना कि इंसान अपने आप को जीने के लिए कई सारे बहाने ढूंढ ही लेता है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और अपने आप को कीप गोइंग रखने के लिए हम कई सारे बहाने एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं, चाहे हमसे कोई गलती भी हो जाए तो. बट सोहम जो है एडमिट हो गया था गणपति से पहले, और उस टाइम पे बाय चांस अनफॉर्चुनेटली मैंने दो काम लिए हुए थे. मैं शूटिंग तो कर ही रही थी, साथ में मेरा एक जगह डांस परफॉर्मेंस था जी टीवी के लिए, तो वहाँ मुझे रिहर्सल्स पे 2 दिन पहले ही जाना पड़ता है बिफोर द शूट. तो और फिर उसके बाद वो शूट था मेरा, तो मैं 3 दिन से घर पर जो है कुछ 3:30 बजे आ रही थी, एंड ही वॉज एडमिटेड फॉर 3 days, और मैं तीनों दिन में एक बार भी मिलने नहीं जा पाई. बीच में सिर्फ मैंने आधा घंटा मैं उसको मिली थी, बिकॉज ऑन द वे जब मैं शूट से जा रही थी तो उसका हॉस्पिटल के लिए मैंने किसी तरह से रास्ता निकाला, बट दैट वॉज ऑल्सो इन द टैब बिकॉज देर वर पीपल हु वर वेटिंग फॉर मी ऑन अनदर लोकेशन. तो उसमें मैं 15-20 minutes मिल के आई थी, बट ही वॉज क्राइंग सो मच. वो कभी एक जगह पे रहा नहीं है, उसको एक रूम में जो है यू नो आइसोलेट हॉस्पिटल के यू नो रूम कैसे होते हैं, वो नर्सिंग होम में था. तो वो चीज मेरे कहीं ना कहीं उस टाइम पे तो मैंने रिएक्ट करने का ही टाइम नहीं था, बिकॉज मेरी डांस परफॉर्मेंस थी बहुत लाइवली थी. आई हैव टू सो मच एनर्जी एंड डांस इज ऑलवेज अबाउट यू नो बींग पॉजिटिव और स्माइली. आपको एक्सप्रेशन के जरिए एक सेकेंड पे काम करना पड़ता है, एंड शूट भी मेरा काफी टफ चल रहा था, तो उस टाइम पे तो मैंने विचार उस पर नहीं दिया. जो है रोहित ने भी बोला, रोहित ने भी ऑफ लिया हुआ था उस टाइम पे, उनकी शूटिंग भी चल रही थी, बट उन्होंने 3 days का ऑफ लिया. तो बट उसके बाद मुझे काफी रियलाइज हुआ उस चीज का, और अंदर था मेरे बट वो एक्सप्रेस करने का मुझे बिल्कुल मौका नहीं था उस टाइम पे. तो वो काफी, वो कहते ना उस टाइम पे जब रिएक्ट नहीं करते तो वो चीज और ज्यादा आपको फिर बाद में इफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली. हाँ सबकॉन्शियसली दबा देते हो आप उस टाइम पे तो उसको. तो वो चीज ने मुझे काफी जो है इफेक्ट किया, जिसकी वजह से मैंने आफ्टर कवच 2-3 months तो बिल्कुल ही नहीं गया काम, मतलब मैंने फोन भी नहीं उठाया. फोन मेरा कहाँ पड़ा है वो मुझे होश ही नहीं था लिटरली मेरे, बिकॉज मुझे लगता था मैं फोन देखूंगी कहीं से कॉल आ गया मैं फिर से अलोर हो जाऊंगी और फिर मैं चले जाऊंगी. तो सिर्फ जनवरी तो मैंने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया किसी भी चीज के लिए, ना मैंने मेल्स चेक करे ना मैंने व्हाट्सएप चेक करा. तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई एक्चुअली लो बीपी की वजह से. देन आई रिकवर्ड, फिर आई वेंट फॉर लाइक सम लुक टेस्ट, उसके बाद लॉकडाउन हो गया. तो बट अभी तक भी कुछ ऐसा कुछ उतना अच्छा नहीं मुझे लगा जो मैं बोलूं कि, बोल दो. you know, मैं फील करूं कि आई मिस दैट, वैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ. पर यस वो चीज एक है वो हॉस्पिटल वाली चीज जो मेरे को बहुत सिंक इन कर गई, जिसकी वजह से मुझे कुछ ऑफर्स भी आए और उस टाइम पर तो मतलब. और अभी भी मैं बहुत कॉन्शियसली, मैं अब ज्यादा, मैं उस टाइम तक कवच जब मैंने लिया तो मैं इतने कॉन्शियस नहीं थी जो है टू बी वेरी फ्रैंक, बट अभी मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ. स्पेशली वो एपिसोड मेरे दिल में कहीं ना कहीं बस गया है कि अगर वो हॉस्पिटलाइज हो गया तो मैं फिर से क्या जवाब दूंगी. बट मेरी, मैं फिर कहीं ना अपने आप को इंस्पायर भी करती हूँ, यू नो जो सोहम की मेरी जो हाउसमेड है, यू नो वो जिस तरह से सोहम को रखती है, और वो अपना 1.5 साल का बच्चा छोड़कर आई है, और जब मैं इतने फैंस का प्यार देखती हूँ तो फिर मैं खुद से ही ये सवाल करती हूँ कि यू नो
उसकी तो नीड्स थी, मनी फाइनेंशियली नीड्स थी, जिसकी वजह से अपना डेढ़ साल का बच्चा भी मम्मी के पास छोड़ के आई है. मेरे पास इतनी अच्छी लविंग मदर इन लॉ है, इतनी अच्छी सिस्टर इन लॉ है, इतना अच्छा हस्बैंड है जो सपोर्ट करता है हर चीज पे. मतलब बिकॉज ही इज अ डायरेक्टर तो वो ऑफ ले लेते हैं, एक एक्टर के लिए ऑफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो फिर कहीं ना कहीं मैं जब कोई प्रोजेक्ट आता तो फिर ये भी सोचने मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ उसकी लाइफ की कुछ बैटल्स को मैं हेल्प कर सकती हूँ, बट जो उसकी लाइफ है वो उसको मैं चेंज नहीं कर सकती बीइंग अ मदर. और साथ में जो मेरे पेरेंट्स की मुझसे एक्सपेक्टेशन है और मेरी खुद से जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं उस आइडेंटिटी को बिल्कुल लूज नहीं कर सकती. तो कहीं ना कहीं मैं साथ में अपने आप को मैं सीखती भी हूँ अपने आसपास के लोगों से. मैं ये भी जानती हूँ कि इसने बेहतरीन तरीके से शायद मेरी मम्मी ने भी मुझे नहीं रखा होगा जितना पैम्परिंग मैं उसको करती हूँ. तो कभी कभी मैं अपने ओवर पैम्परिंग एटीट्यूड से भी डर जाती हूँ कि कहीं इसको मैं इतना पैम्पर करके ना रखूँ कि वो लाइफ में शॉक या यू नो जो स्ट्रगल्स होते हैं उसके लिए तैयार ना हो पाए. तो एट द सेम एंड इनफैक्ट नीलू जी भावो जो मेरे शो में सासुमा बनी थी उस टाइम पे, वो जो उनकी बेटी है डॉटर को 3.5 इयर्स की थी, उसको छोड़कर आई थी जब हम लोग आउटडोर शूट के लिए गए थे कुछ 2 मंथ के लिए. तो मैं उनसे फोन पे हमेशा टच में रहती हूँ. तो है जब भी मुझे कोई ऑफर आता है तो मैं उनसे कंसर्न करती हूँ, उनको बताती हूँ कि यू नो इज इट राइट टू गो टू लीव हिम. लाइक उस टाइम पे भी जब मैंने कवर किया था, सो वाज जस्ट 2 इयर्स ओल्ड. तो मैं तो वो तो मुझे पहले से ही मुझे बोलती थी. तो उनसे भी मुझे यू नो मेरे जो मेरे इर्द गिर्द जो मॉम्स हैं, मैं अपनी मेरी जो फ्रेंड्स है, इनफैक्ट कनिका जो मीनाक्षी बनती थी उनका भी बेटा छोटा है, वो दिया बाती जब करती थी तो सेम टाइम पे प्रेगनेंट थी और डिलीवर किया, तो मैं उनसे हमेशा टच में रहती हूँ और वो कैसे मैनेज करती हैं और वो मुझे फिर काफी समझाती भी हैं. तो वो चीज मुझे अपने आप को मोटिवेट करने में, तो मैं एक मॉम की तरह से जरूर सोचती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई डोंट फॉरगेट दैट आई एम एन एक्टर, आई एम अ डांसर एंड आई हैव अ कमिटमेंट टू द सोसाइटी. इफ देयर इज अ गुड रोल व्हिच एक्चुअली यू नो help me to uplift, help me to you know society go away. But yes, I'm very choosy about the role because main aise role karna chahti hu jisme kuch mujhe upliftment mile meri personality ko society mein. Kuch sense diya baati mein you know there was so much strong woman professional life ko personal life ko kaise balance karti hai wo usne us character ne. I was not that much stronger before doing diya baati, so that character made me strong because the way you think the way you become. So by thinking about that character to perform it in a very good way, to maine wo apni kafi psychology par wo liya, to jisse mere kafi, and we all actors do lot of psychology, there is lot of psychology behind each and every character. So we study that, and we though I don't want to you know degrade myself basically. No, degrade से मेरा मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा क्रैंकी, बहुत ज्यादा क्राइम रोल नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज वो बहुत ज्यादा फिर मेरी मेंटल हेल्थ पे आता है एंड इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ सैडनेस. सो आई डोंट वांट टू डू दैट. तो इसलिए मैं वो कोशिश करती हूँ ना जिसमें मैं कुछ पावरफुल हूँ, यू नो जिसमें मुझे बहुत ज्यादा रोना ना पड़े. और रोना हो तो रोने के रीजन क्या है वो भी एक मैटर करता है. तो आई वॉन्ट टू बी लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ. That's why helps me to. That's why I do dance regularly. So I am very choosy about the character. I am very clear that the first thing in my life I want happiness. For acting, you know, doing a different characters or ज़्यादा लंबे समय तक जब हम कोई like coverage was not that. I knew that it's just a 4-5 months show. It was a series and I want to go for it because I want to try how Soham is gonna react. तो वो भी एक बड़ी चीज थी और साथ में वो एक घोस्ट का और काफी नेगेटिव भी था पॉजिटिव भी था. तो वो मुझे ट्राई करने के लिए एक अच्छा मौका था शॉर्ट टाइम के लिए. तो और सुपर नेचुरल भी जो आपने कभी किया सुपर नेचुरल या हाँ, तो काफी साइकोलॉजी पे आता ना. यू हैव टू वॉच, मैंने कभी हॉरर फिल्म से देखी थी और उस टाइम पर मैंने दुनिया भर की सबसे टफ हॉरर फिल्म देखी थी. तो वो सारा काफी आपकी साइड पर भी आता है. यू गेट यू हैव टू बिलीव इन दिस. उससे पहले मुझे कभी बिलीव नहीं था इन चीजों को, बट हंसी भी आती है बिकॉज यू नो उसमें उसको करते हैं मजा भी आया. बिकॉज मैंने ये माना ये समझा कि अगर हॉरर का म्यूजिक चेंज कर दो तो कॉमेडी भी बन जाता है. It's just the music, you know, which builds and the expression of the actor.
build up so much fear in us. So yeah, but that was a very roller coaster and very amazing drive, I could say. तो वो बहुत मजा आया. अभी भी मैं वैसा ही देख रही हूँ कि कुछ वैसा तो नहीं, not supernatural, like ऐसा जिसमें you know मुझे करके बहुत खुशी होए. Fruitful तो definitely, वो तो तभी मुझे allure करेगा. वो तो first thing है. अगर वो fruitful होगा then only I will think more to do and do not to do. Then other things will come. So वो तो first है. First because this profession I never joined for money. To be very frank, I joined it as an art. You know, because I want to show, I want to see, like how, what is the feeling when we do different characters. Because I joined theater before Diya Bati, you know. I took acting classes also from Pankaji, where he was in Asmita Club. So I studied acting, basically the psychology behind acting. So that helped me, you know, to know about the acting, you know, psychology of a different character. So that really amazed me, you know, allure me. That's why I thought that I have to be an actor. कि एक ही लाइफ के अंदर आपको कई सारी जिंदगी जीने का मौका मिलता है बिकॉज ऑफ बिकमिंग एन एक्टर. तो वही चीज मुझे करनी है कि तो वो जिंदगी मैं चूज करना चाहती हूँ कि वो जिंदगी जो हो, जो डिफरेंट डिफरेंट जिंदगियां मुझे एक ही जिंदगी में जीने को मिलेगी, तो वो जिंदगियां एटलीस्ट मेरे चॉइस की हूँ. आपकी लाइफ तो आपकी चॉइस की नहीं होती. एटलीस्ट आप वो जिंदगी आप चूज कर सकते हो दैट यू वॉन्ट टू लिव और यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस. अगर मैं कहती हूँ कि सैड कैरेक्टर भी है तो उसका एक्टर का कंसीव कर वो हाउ ही रिएक्ट इन अ सैड सिचुएशन, वो भी एक बहुत अमेजिंग चीज है यू नो एक्टर की. तो इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट बेसिकली. इट्स नॉट ओनली अबाउट सैडनेस सैडनेस बेसिकली. मेरा ये भी मानना नहीं है जो व्हाट आई लर्न इन दिस ईयर. तो इट्स बेसिकली अबाउट द स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट क्या कह रही है ऑडियंस को, स्क्रिप्ट कितना इंस्पायर कर रही है यू नो, या कितना उनको हेल्प कर रही है अपने आप को, अपनी स्पिरिट्स को बूस्ट करने के लिए. वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है. एंड देन नाउडेज आई एम वाचिंग लाइक सो मेनी गुड वेब सीरीज हैज कम और डिफरेंट डिफरेंट जॉनर. तो मजा आ रहा है मुझे जो है. लेट्स सी कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मेरे भी डे में आए और मैं भी किसी चीज अच्छी चीज का पार्ट बनूं. See, before coming in Rohit's life, I was already an actor. Yes. My mother-in-law knew that I am an actor and a very good actor. You know, who जिसने कई सारे awards जीत लिए थे तब तक. So Rohit also was very aware about the fact that I am an actor. So if there is a good role, I don't actually think too much. I don't consult with Rohit and with others about my projects. I never consult Rohit about the cover. I only told him when it get approved. Because I also don't know na ki main wahan pe, because main to kai sare look test deti hu. I am very open for auditions and look tests.